नमस्कार मित्रों, हाय एवरीवन। आज हम फिर से बीमारी भगाने वाले ध्वनियों को देखेंगे। टुडे वील अगेन फॉलो थ्रू आवर लास्ट लेसन, फ्यू साउंड्स दैट कैन हेल्प अस गेट रिड ऑफ डिजीजेस एंड कीप आवर इम्यूनिटी रियली स्ट्रांग। सो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं, बीमारियों से बचने में मदद करते हैं। तो आज एक पूरा मंत्र सीखेंगे, ठीक है? तो मैं पहले उसको लिख के दिखाता हूँ। भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। दिस मंत्र इज फेमस एज गायत्री मंत्र। तो एक बार हम पूरा साथ में बोल के देखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र का मतलब है ध्वनियों का एक खास तरह से जमा के कहा जाना। A mantra means an arrangement of sounds spoken in a specific manner. And गायत्री मंत्र पे काफ़ी शोध भी हुआ है और वैज्ञानिक आज मानते हैं कि ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। गायत्री मंत्र हैज़ बीन रिसर्च्ड अ लॉट एंड scientists also agree today that this is the most powerful mantra in the world. So practice it as I just showed you and it will definitely keep you disease free. अगला मंत्र हम फिर और सीखेंगे और वो भी इसकी तरह ही बहुत शक्तिशाली मंत्र है। The next mantra that we will learn is Mahamrityunjaya Mantra. Which goes like this in sound. Aum Trambakam Hiyajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityurmukshiye Mamritat। तो अब लिख के देखते हैं। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये भी बहुत शक्तिशाली मंत्र है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल मंत्र। So, a little advanced study today about a complete 2 mantras. थोड़ी अच्छी खासी मंत्रों की पढ़ाई हो गई, पर आगे के पाठों में हम वापस एक एक शब्द एक एक वाक्य पे चलते हैं। In further chapters, we will again go to basic sentence buildings and meanings of words. Thank you everyone. धन्यवाद सभी को.